सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम रियल एस्टेट और फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो यह आपके लिए काफी बड़ा डिसीजन होता है। आप नहीं चाहते हैं कि आप किसी प्रॉपर्टी फ्रॉड के अंदर फंसे। ज्यादातर लोगों के लिए लाइफ सेविंग्स उसके अंदर लग जाती हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसका एक बैकग्राउंड चेक कर लें कि उसका रियल ओनर कौन है, उस प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट एरिया कितना है। तो अब दिल्ली के अंदर आप ये सारी डिटेल्स ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो होती हैं किसी भी प्रॉपर्टी की, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। उस प्रॉपर्टी की अगर कोई लीज डीड रजिस्टर हुई है, वो वाली डिटेल्स मिल जाती हैं। उसके वो अगर प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है, कोई मॉर्गेज डीड है जिसे रजिस्टर किया गया है, वो वाली डिटेल्स भी ऑनलाइन मिल जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि दिल्ली के अंदर आप ये डिटेल्स कैसे निकाल सकते हैं ऑनलाइन। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और साथ ही में मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूं इस वीडियो को, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलते हैं सीधा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दिल्ली में अगर आप किसी प्रॉपर्टी की डिटेल्स निकालना चाहते हैं तो आप सबसे पहले गूगल में जाएंगे, वहां पे टाइप करेंगे दिल्ली प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। जैसे ही एंटर करेंगे आपके पास ये पहला ही रिजल्ट आ जाएगा, doris.delhigovernment.nic.in। आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये दिल्ली रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे आपको सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मिल जाती हैं। जो भी प्रॉपर्टी कोई लीज डीड साइन होती है और रजिस्टर होती है वो मिल जाती है, सेल डीड कोई रजिस्टर होती है, मॉर्गेज कोई रजिस्टर होती है, सारी डिटेल्स आपको यहां से मिल जाती हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं दो ऑप्शंस आ रहे हैं, पहला ऑप्शन ई सर्च का है और दूसरा ऑप्शन ई वैल्यूएशन का है। ई वैल्यूएशन में स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना लगता है वो कैलकुलेट हो जाता है। हमें क्या करना है प्रॉपर्टी डिटेल निकालने के लिए, ई सर्च पे क्लिक करना है। ई सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी आपके पास। अब इसमें देख रहे हैं आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं सर्च करने के लिए। तो अगर मान लीजिए आपको नाम पता है, जो भी फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी है, जिसने भी बेचा है वो फर्स्ट पार्टी हो जाता है और सेकंड पार्टी खरीदार होता है। तो खरीदार का अगर नाम पता है कि जो भी अभी करंट ओनर होगा वो सेकंड पार्टी होगा, तो आप उस केस में सेकंड पार्टी सेलेक्ट करेंगे। तो टाइप लोकेलिटी, यहाँ पे मैं एक कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, द्वारका टाइप कर लेता हूँ। तो द्वारका सेक्टर 10 सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब मान लीजिए आपको सेकंड पार्टी का नाम पता है तो आप सेकंड पार्टी में क्लिक करेंगे। अब मोस्ट लाइकली आपको सेकंड पार्टी से ही करना है, क्योंकि करंट ओनर जो होगा वो जनरली सेकंड पार्टी होता है। सेकंड पार्टी का अब आप नाम टाइप कर देंगे यहाँ पे। तो मैं एक जनरल सा जेनरिक नाम टाइप कर लेता हूँ, राहुल टाइप करके देख लेते हैं राहुल नाम से क्या निकलता है। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा कोड ऐड कर देंगे और फिर आप सर्च पे क्लिक करेंगे। तो अब देख लेते हैं, ये देखिए ये वाले रिजल्ट्स निकल के आ गए आपके पास। अब राहुल नाम से ये चार डीड्स साइन हुई हुई हैं, इसमें से ये तीन देख रहे हैं आप, पहले तीन रिजल्ट जो आ रहे हैं ये लीज डीड हैं। तो ये कोई लंबे टाइम के लिए लीज साइन हुई है जिसको रजिस्टर कराया गया है, तो वो वाली डिटेल है। आप ये लास्ट रिजल्ट देखिए, ये सेल डीड हुई है यहाँ पे, तो इसमें आपको ओनर की डिटेल मिल जाती है। ये देखिए सेकंड पार्टी में ये करंट ओनर है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर 9332 है, रजिस्ट्रेशन डेट 6/11/2017 को हुई है ये रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट पार्टी का नाम आ गया, किससे उन्होंने मकान खरीदा था, साथ में प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट एड्रेस आ गया, कितना उस प्रॉपर्टी का एरिया है ये भी आ गया। तो सारी डिटेल्स आपको मिल गई यहां से। तो ये तो तरीका हो गया नाम से सर्च करने का। अब हम दूसरा भी तरीका देख लेते हैं, होम पे वापस चलते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मालूम है तो आप यहां पे क्लिक करेंगे सर्च प्रॉपर्टी डिटेल्स। अगर आपको मान लीजिए नाम नहीं मालूम है तो उसके बाद आप अपना सब रजिस्ट्रार ऑफिस सेलेक्ट करेंगे जहां पे भी वो रजिस्ट्री हुई है। तो द्वारका के केस में साउथ वेस्ट दिल्ली आता है, तो साउथ वेस्ट सब रजिस्ट्रार ऑफिस ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद हम लोकेलिटी सेलेक्ट करेंगे, ये वापस से मैं द्वारका सेक्टर 10 कर लेता हूं। सेम ही एग्जांपल को हम सर्च करके देख लेते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने देखा था 9332 था, वही डाल देते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन हमने ईयर 2017-18 देखा था, तो 2017-18 ले लेते हैं, नवंबर 2017 में हुई थी वो। उसके बाद बुक नंबर का एक ही ऑप्शन आ रहा है तो 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड एंटर कर देते हैं, सर्च कर लेते हैं। देखिए अब आपके पास सेम वही रिजल्ट्स आ गए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास सारी डिटेल्स निकल के आ गई हैं। अब एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, वो भी हम चेक कर लेते हैं, होम पे वापस चलते हैं। अब कंप्लीट सर्च का भी एक ऑप्शन होता है, कंप्लीट सर्च पे चल के देखते हैं।
तो अगर आपको मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं पता है और नाम भी नहीं पता है तो भी आप सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में, वापस से हम अपना SRO ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ साउथ वेस्ट, फिर वापस से हम द्वारका सेक्टर 10 चुन लेते हैं, द्वारका सेक्टर 10। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ईयर 2017-18 हो गया। अब देखिए ये कोई भी मैंडेटरी नहीं है बाकी की फील्ड्स। अब हम क्या कर सकते हैं, सेल डीड कर लेते हैं। लेट्स से सेल डीड ये आ गया नीचे कि सेल डीड कितनी हुई है, ठीक है जी। तो अब ये आप फिर कैप्चा कोड ऐड कर देंगे 455844। अब सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सेक्टर 10 में क्या क्या रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। ये देखिए अब आपके पास बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स निकल के आ गए हैं। सेक्टर 10 में जितनी भी हुई हैं ये रजिस्ट्रियाँ सारी की सारी निकल के आ गई हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करना मुश्किल हो जाता है। ये वाला सर्च ऑप्शन आप तभी यूज़ करें जब आपके पास बहुत ही कम डिटेल्स हैं, तब आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ओनर का नाम भी मालूम है या उसका रजिस्ट्रेशन डेट भी मालूम है तो आप वो बाकी दूसरे दो ऑप्शन यूज़ कीजिए, उससे आप काफी आसानी से कोई भी प्रॉपर्टी की डिटेल्स निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, या अगर आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई अगर फ्यूचर वीडियोस के लिए टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फोन में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज इसी तरह के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।